अंग्रेजी एग्जाम शास्त्र में आपका स्वागत है। कृपया चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। करंट अफेयर मंथली वाला चलेगा, अक्टूबर का करंट अफेयर पार्ट वन वाला चलेगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिना, और हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, कौन सा शहर जो है वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंपनी जो है भारत में भूकंप चेतावनी शुरू चेतावनी जो है सेवा शुरू करने जा रही है, कहाँ, किसके द्वारा? तो ऑप्शन है मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? तो ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, पीयूष गोयल। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ऑप्शन है जवान, पठान, 2018 एवर इन एवरीवन इज हीरो और गणपत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018 एवरीवन इज हीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की मुद्रा जो है दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है? तो ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना की घोषणा की है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैंग्स एंड विगल्स का विमोचन हुआ है? तो ऑप्शन है लीना कुमार, अमरेश ठाकुर, राधिका एंगर, विजया राघवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजया राघवन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, IIT मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को दूसरा बाघ अभ्यारण कैमूर जिले में मिलेगा? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 100% ODF+ कवरेज हासिल किया? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो ऑप्शन है गायक, पत्रकार, वैज्ञानिक, अभिनेता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति में भाग लिया था, हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो है दूसरी राष्ट्रीय ताक्वेंडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो ऑप्शन है ईरान, UAE, सऊदी अरब, इजराइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की पहली 5G ट्रेनिंग 5G हेल्थ लॉन्च किया है? ट्रेनिंग लैब्स जो है 5G हेल्थ लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, जी किशन रेड्डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी किशन रेड्डी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के किस शहर में पाटा यानी पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी होगा? तो ऑप्शन है झांसी, भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच लॉन्च करेगा कौन? तो ऑप्शन है
नाबार्ड के द्वारा, SBI के द्वारा, SIDBI के द्वारा, PNB के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SIDBI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदूषण से निपटने के लिए 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है? तो ऑप्शन है चंडीगढ़, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया? तो ऑप्शन है USA, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कानून, तकनीक और न्याय पर उत्तर क्षेत्र वन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है शिमला, देहरादून, नैनीताल, चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, दीपेंद्र सिंह एरी, शुभम गिल, डेविड वार्नर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपेंद्र सिंह एरी। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो नेपाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमें फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है SAARC, आसियान, ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण की पहल की शुरुआत की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ग्रामीण बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत GST जो है लगाया गया है? तो ऑप्शन है 12%, 18%, 28%, 33%। इसका सही उत्तर हो जाएगा 28% पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह जो है कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा संकल्प सप्ताह जो है नई दिल्ली के आकांक्षी ब्लॉकों में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सैफ पुरुष अंडर 19 जो है चैंपियनशिप जीता है? तो ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है USA, UAE, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा USA में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 2023-24 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ऑप्शन है 6.50%, 6.30%, 5.60%, 7.20%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.30%। यह विश्व बैंक के द्वारा अनुमान लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे WISS का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, लखनऊ भी और वाराणसी में भी हर घर सोलर अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो ऑप्शन है डियो बिस्मैन, कैटालिन कारिको, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य जो है राज्य सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा जो है हासिल किया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और राज्य में जो है वह यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से दिया गया है किनको? तो ऑप्शन है एलेक्सी एकिमोव, लुई ई ब्रूस, मोंगी डी ब्रामडे। ऑल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑल, यानी तीनों को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है भोपाल, वाराणसी, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन है राधिका अयंगर, प्रिया सेन, सुधा मूर्ति, मधुर भंडारकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधा मूर्ति, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP क्रियान्वयन में को प्रदर्शित करने के लिए 10 स्कूलों का चयन करेगी? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PM स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ऑप्शन है 40 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश जो है दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बालकन 2020 बनाने में की परियोजना पर काम कर रहा है? तो ऑप्शन है USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन है वाराणसी, तिरुपुर, मदुरई, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिरुपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी राज्य सरकार जो है महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देगी? तो ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला पशु सप्ताह गृह जो है कहाँ खुलेगा? तो ऑप्शन है गोरखपुर, नोएडा, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में खुलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम जो है किस शहर में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन है झांसी, इंदौर, लखनऊ, जयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह भी लखनऊ में ही किया गया है भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पहला है तो ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, मसूरी, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन जो है योजना शुरू की है? तो ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया? किस राज्य ने? तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पोषण पर पुस्तिका जारी की है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट सब है, वीडियो को पूरा देखें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है। अब थोड़ा सा आ जाता है डेट पर।
कौन कौन सा दिन को क्या मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती भी मनाया जाता है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय और यह 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।